अरे आप चिंता मत कीजिए, आप सब एक काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए साहब, मैं हूं ना साहब। अगर वो अंकोला छोड़कर यहाँ आया है तो मैटर बहुत सीरियस है और साला आदमी भी बहुत डेंजर है। साहब इस वक्त हम लोग हाईवे पर हैं और हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जल्दी चलाओ, जल्दी भगाओ यार। बिल्कुल फिक्र मत करे साहब। कितने आदमी जा रहे हैं? हम 20 जने और वो अकेला। अकल है क्या तुम्हें? सब लोग मर जाओगे। बोला था 50 आदमी लेकर जाओ। अरे साहब हम लोग 20 जन हैं और वो अकेला है। अकेला है लेकिन असली मर्द है। अरे भाई हम लोग भी तो मर्द है भाई। क्या? हाँ भाई, तेरे जैसे मर्द का सर तलवार से उड़ा देता है वो। असली मर्द है वो। मौत है, पैर है, ये सोचकर अगर इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो साले एक एक को जान से मार डालूंगा। ए, ये मेरा एरिया है, तू बैंगलोर से आया, क्या उखाड़ लेगा रे तू? तू किस एरिया का है मुझे नहीं पता, अगर ये घूम गया तो सबको एक ही तरह की मौत मिलती है। अगर दम है तो आगे बढ़कर दिखा। नहीं, नहीं भाई, ये बाबुल इंसान नहीं है। बदमाश छोड़ साले। नहीं भाई, जिस तरह माता को बलि चढ़ाते हैं, ये उसी तरह सब मुझे बलि चढ़ा रहा है। आ रे, आ रे, आ ना, बड़ा कदम। जो मेरे पास लड़ने आएगा वो आखिरी दम तक लड़ेगा और जो डर जाएगा उसको भी मेरी तलवार नहीं बख्शेगी। फोन। मर गया क्या? वो भाग रहा है साहब, वो भाग रहा है। भाग रहा है क्या? हाँ भाग रहा है साहब, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ए चलो उसका पीछा करो। हेलो, पहले आते तो आपको सीट मिल जाती, आप लेट आए हो क्योंकि हमारा टर्म स्टार्ट हो गया है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको स्पोर्ट कोटा में जगह मिल जाएगी। थैंक यू सर। आप एक काम कीजिए, आप फिजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी का साइन लेकर आइए। ओके सर, फिजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी से मिलना है। आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अंदर से कुछ साउंड आ रहा है ना? हमारे सर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग की आवाज है। अरे बाप रे, ब्रीदिंग की आवाज ऐसी है तो बॉडी कैसी होगी? मेरा राइट हैंड बाइसेप्स रेडी है।
इसे मैं अभी लगाता हूँ। सलमान, ऋतिक, शाहरुख, सिक्स पैक्स तैयार हो गया। अरे कारपेंटर, फिर से दरवाजा टूट गया। ए वॉचमैन, मैंने एचओडी से मिलाने को कहा था, बॉलीवुड हीरो नहीं। तुम भी औरों की तरह धोखा खा गए ना। मैं बॉलीवुड का नहीं, अब हॉलीवुड का हीरो हूँ। सर, एक छोटा सा डाउट है। बोलो। आप दरवाजा खोलकर भी आ सकते थे। हाँ, मैं दरवाजा खोलकर आ सकता था, दरवाजे के नीचे या ऊपर से भी आ सकता था, लेकिन वो कमजोर लोग की पहचान है। इस जिमसन की स्टाइल ही कुछ और है, तुम नहीं समझोगे। ऐसा क्यों सर? मत पूछो, अपना काम बताओ। स्पोर्ट्स कोटा में ज्वाइन हुआ हूँ, प्रिंसिपल सर ने आपका साइन लेने को कहा है। अगर तुम्हें मेरा साइन चाहिए तो तुम्हारा बाइसेप्स मिनिमम 5.6 होना चाहिए। साइज का तो पता नहीं, लेकिन है। अच्छा, लेकिन आपसे बहुत कम है सर। कोई बात नहीं है, इतना बुरा नहीं है, नो प्रॉब्लम। पंप मार हो जाएगा। सर, वैसे रोज कितने घंटे जिम करते हो? 20 hours। 20 hours सर? डोंट टच मी, गो बैक। सॉरी सर। टूट जाएंगे। क्या सर? लोगों की आंखें, बॉडी देखकर। ऐसा है तो एक बार बॉडी देखनी पड़ेगी सर। आज तक यहाँ कई लोग आए लेकिन वो कभी देख नहीं पाए, तो तुम क्या देखोगे? हाँ, क्या सर? मेरी बॉडी। अगर देखने का इतना ही शौक है तो मेरी फोटो देखो, पीछे टंगी है। देखा सर, लेकिन ये हर फोटो के नीचे माँ तुम कहाँ हो ये क्यों लिखा है सर? वो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है। अच्छा, 5 साल पहले ओ मेरी माँ ऐसी दिखती थी। ओ हाउ स्वीट। जब मैं छोटा था ओ मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। मैंने उसे दुनिया के हर कोने में तलाश किया। देखो, मेरी बॉडी तो बन गई लेकिन अब तक मेरी माँ नहीं मिली। ओ, यस सर। मेरी बॉडी तो बाप जैसी है मगर माँ। अगर आपकी माँ मिल गई तो क्या करोगे? और क्या, माँ से पूछूंगा कि मेरा बाप कहाँ है। डराओ मत सर, अगर आप ऐसे हैं तो आपके पापा कैसे होंगे? वो तो मेरी माँ को ही पता होगा। सर, आपके मन में इतना दुख होते हुए भी आपने ऐसी बॉडी बनाई है, आप वाकई ग्रेट हो सर, जीनियस। सर, कहीं से साउंड की आवाज आ रही है। अब क्या है, अब तुमसे बात करते करते मेरे मसल्स कम हो रहे हैं, जाकर हवा भरना होगा मुझे। अब सॉरी, मेरा मतलब मुझे जाकर एक्सरसाइज करना होगा। पर एक छोटा सा साइन कर दीजिए सर। ये छोड़ो, तुम जाओ सर, जाओ प्लीज सर। बाप रे, और थोड़ी देर रुकता तो मेरी पोल खुल जाती। एक्सक्यूज मी, दिव्या आप ही हैं? यस। मैं इस कॉलेज में नया ज्वाइन हुआ हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर में एक कमरा खाली है। खाली तो था लेकिन उसमें कोई और शिफ्ट हो गया। लेकिन मैं अपनी सहेली के घर पेइंग गेस्ट रहती हूँ, मैं उससे आपको बात करके बताती हूँ। कोई बात नहीं। ओके। नए हो? नए हो? हाँ। देखो तो, सुबह से मैं छोटी बड़ी मछली ढूंढ रही थी लेकिन अब तो मुझे बड़ी मछली मिल गई है। आप लोग मच्छी पकड़ने वाले हो? फ्रेंड्स, इस बड़ी मछली को मेरे समुद्र में पार्सल करो। चलो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये क्या चल रहा है? रैगिंग। कौन कर रहा है? एस डब्ल्यू टी टी एच ए श्वेता। कल तूने क्या किया था? कल मैंने इसे शादी क्या दी थी। तो फिर तुम जल्दी से जाओ और जाकर फर्स्ट नाइट में जाओ। नेक्स्ट ऑफ। तुमने क्या किया था? अरे ये सब, ये सब? जल्दी से बोलो। हाँ, बस कल एक दो लोगों का हाथ पर तोड़ा था। जोक था ना? जोक ही था, आप डर गई थी ना? मैं डरूंगी? श्वेता को डराना इतना आसान नहीं है, ये बात समझ लो तुम। अरे वाह वाह, अब इससे क्या करवाया जाए? इससे कुछ डिफरेंट करवाते हैं। ओके, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं उनमें जो सबसे खूबसूरत है उसे जाकर तुम आई लव यू कह दो। ओके, शर्माओ मत। क्या रे? अरे रे रे, आप तो सुपर हो जी, आई लव यू।
श्वेता, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसको जाने दो, तुम जाओ 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 जाओ। क्यों छोड़ो मैं? हाँ, असली रैगिंग तो अब शुरू होगी। रैगिंग करना तो गलत है ना? रूल्स, मुझे रूल्स खाओगे? हाँ, ये पूरा कॉलेज मेरा है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। अगर यहाँ पुलिस आ गई तो क्या करोगी? अगर वो यहाँ पर आए भी ना तो पूरे ग्राउंड में बिना कपड़ों के राउंड लगवाऊंगी। मैडम, पहले शर्ट उतारू या पैंट उतारू? क्या करूं? नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी रैगिंग नहीं कर रहे हम लोग, हम लोग तो ड्रामा कर रहे थे। 30 years in Calcutta, ये वो कुछ समझा क्या? ये झूठ बोल रही है सर, आप इस लड़की की बात मत सुनिए। ए चल आगे बताना। मिस्टर इंस्पेक्टर, हम लोग जो तकलीफ उठा रहे हो, आप पर ड्रामा लग रहा है। इधर देखिए सर, वो 4 दिन से पानी में तैर रहे हैं, तैर तैर कर मरने वाले हैं। तो फिर ये मर्डर अटेम्प्ट है। थोड़ा घूम रहे, देखिए सर, ये क्या जिप पीछे डाला है? पिछले 2 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं सर, पीछे जिप लगा के क्या कर पाएगा सर? ये तो रेप अटेम्प्ट है। हाँ सर, हाँ। मैडम, क्लास की टाइम हो गई सर, हम लोग चलते हैं। मैडम कहाँ जा रही है आप? 30 years in Calcutta, टोटल 3 केस है, सेक्शन का कोई पता नहीं, फांसी तो जरूर होगी तुम्हें। प्लीज प्लीज कोऑपरेट करो कलकत्ता पुलिस को, प्लीज कम ऑन। सर, अगर आप इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो इस लड़की का क्या होगा? सर, आप जो बात इससे पुलिस स्टेशन में करने वाले हो वो यही 400 लोगों के सामने कर लीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या करना चाहिए? 400 लोगों के सामने 100 चक्कर लगवाइए। जिद्दी ये लड़की तो है जिद्दी, इसे कैसे समझाऊं, ये लड़की है फुलझड़ी, अलबेली मस्तानी, बस गुस्सा है ये करती। हंसे ना देखो ये लड़की करे बस नखरा ये लड़की, हंसे ना देखो ये लड़की करे बस नखरा ये लड़की। लड़की 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 ये लड़की है निकम्मी, जिद्दी 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 ये लड़की तो है जिद्दी। देखो जरा देखो है सबक मिला इसे कैसा, पहला हाँ पहला है कॉलेज का दिन पहला। लड़के हुए हैं दीवाने, मस्ती करे सब मस्ताने, आज पढ़ाई करेंगे ना है बने आवारा आज ये। हम है जोशीले ले ले, हंसे ना देखो ये लड़की करे बस नखरा ये लड़की, हंसे ना देखो ये लड़की करे बस नखरा ये लड़की। लड़की 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 ये लड़की है निकम्मी, जिद्दी 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 ये लड़की तो है जिद्दी। करती ना हंस के हमसे मिलती ना, दोस्ती हमसे कर...
के साथ हमारा देती ना, क्या लड़की है हसीना देखो ये लड़की करे बस नखरा, ये लड़की हसीना देखो ये लड़की करे बस नखरा, ये लड़की 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 ये लड़की है निकम्मी, जिद्दी 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 ये लड़की तो है जिद्दी। हेलो, इस तरह से शॉक क्यों हो रही हो, और आपका फ्रेंड कहाँ पर है? उधर है? हे भगवान, गर्ल्स पियर लेट्स पार्टी। श्वेता को तू क्या समझ रहा है? हाँ, श्वेता से पंगा लेना आसान नहीं है। ए, अब तक दारू मिक्स ही नहीं किया। बिना मिक्स किए ही कैसे चढ़ गई? ए, तेरे को जिससे पकड़ा था ना, वो तो सुपर वैन है। उसको देख के तो नशा चढ़ जाता है। तू दारू डाल। अरे अरे, आराम से आराम से। ये श्वेता कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, समझे ना तू? ए विजय, तू क्या करेगी इसका? हमेशा लड़के लोग लड़कियों को दवा पिलाकर रेप करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। अब मैं उसे दारू पिलाऊंगी और उसका रेप करूंगी, फिर देखूंगी वो क्या फील करता है। अरे वो तो हैप्पी फील करेगा। क्या कहा, अगर तुमसे रेप करवाऊंगी तब? मैं बहुत हैप्पी फील करूंगी। अब तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। तू जाकर टिकट लेकर आ और तू वहाँ चली जा। फिर मैं क्या करूँ? तू इधर ही रह। और सुन, अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? हम प्लानिंग करेंगे, साथ में मिलकर उसे लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर उसे बांध कर यूरोप में लेकर जाएंगे। उसे रेल की पटरी पर सुलाकर उसका एक्सीडेंट करवा देंगे। वहाँ पर ये रहेगा, ट्रेन आएगी, और ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाएगी, तब मजा आएगा। फिर देखना वो क्या कर पाता है। यहाँ ट्रेन, वहाँ वो, यहाँ ट्रेन, वहाँ वो, यहाँ ट्रेन, वहाँ वो। देखना देखना कितना मजा आएगा यार। तुझे अब बहुत चढ़ गया। मिल गया। यहाँ ट्रेन, वहाँ वो, यहाँ ट्रेन। देखना मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ ट्रेन, वहाँ वो, यहाँ ट्रेन, वहाँ वो। All Indians are। दुनिया में सब लोगों को खुश रहना चाहिए, पर सबसे ज्यादा मैं। आपने भगवान एक अच्छी फैमिली दिया मुझे। मेरी बीवी मॉडर्न है, मेरी बेटी शर्मिली है। हर बेटी के पिता को एक टेंशन रहता है कि कहीं उसकी बेटी किसी के साथ भाग न जाए, पर मेरे को ये टेंशन नहीं है। What a daughter, what a discipline, what a dedication। नमस्ते सर। नमस्ते, आप? मैं श्वेता का क्लासमेट हूँ। ओह, आप मेरी बेटी से मिलने आए? आइए। क्या लेंगे आप? ये लीजिए। थैंक यू। अरे अरे, डरो मत, ये मेरी पत्नी है। शादी के टाइम इसको मॉडर्न होके दिखा बोला, तो ये पिछले 20 साल से मॉडर्न ही मॉडर्न दिखाई दे रही है। अकेले तो कुछ बोलना मत। अकेले में मैं इनसे मिलूंगा तो पहचान नहीं पाऊंगा। की टेंशन मत लो, ये बाहर हमेशा ऐसे ही निकलती है। बाद में मिलो, बताती हूं। शादी के बाद इसका चेहरा मैंने सिर्फ 4-5 बार ही देखा होगा। ऐसा? तुम्हें यकीन नहीं तो उधर देखो। नहीं, मैंने सुना आप पेइंग गेस्ट रखना चाहते हो। ये सब काम मेरी बेटी ही देखती है। ठीक है, बुलाइए उसे, डील कर लेंगे। मेरी बेटी ने रात भर फुल पढ़ाई किया है। फुल होके पढ़ाई कर रही है और अब सुबह उठकर भगवान की पूजा कर रही है। वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। ये श्वेता कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, समझे? तो आप सही कह रहे हो सर। अरे घंटी बज गई, पूजा खत्म। अरे बेटी श्वेता, मेरे घर की लक्ष्मी, एक बार इधर आ बेटा। दीना 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 दीना।
ये कौन सा गेटअप? आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटा, ये हमारे घर में पेइंग गेस्ट रहना चाहते हैं। जो आए हैं वो लड़की है या लड़का है? कौन है पिताजी? वाह वाह वाह, व्हाट ए डॉटर, बड़ी बड़ी आंखों वाला मूंछों वाला लड़का है बेटी। मैं कितने बार समझाऊं पिताजी, जब कोई लड़का आए तो मुझे हॉल में मत बुलाइए, मुझे ना बहुत शर्म आती है। व्हाट ए डॉटर है ना, ये तुम्हारे क्लासमेट ही है बेटा। घर में पॉपकॉर्न, बाहर फराह खान। क्या रे, मैंने तुझे कॉलेज में लिफ्ट क्या दे दी और तू घर में शिफ्ट होने चला आया? सॉरी जी, मेरे घर में कोई रूम खाली नहीं है, तो मैं आपको रूम भाड़े पर नहीं दे सकती। मैं चलती हूँ पिताजी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं रिकमेंडेशन से आया हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं चलेगा पिताजी, आप इन्हें बता दीजिए। कहाँ है, कहाँ है? कौन है जो मेरे सामने आएगा? इतनी हिम्मत किसकी है? कौन है जो मेरे सामने बात करेगा? कौन है? तुमने सब सुन लिया था? रिकॉर्ड भी कर लिया है। पिताजी, रिकमेंडेशन बहुत हैवी है, जल्दी से ना चाबी दे दीजिए ना। जाने दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं आप यहाँ पर रहेंगे तो। आप यहाँ रहेंगे तो हमें और भी खुशी होगी, आप यहीं पर रहिए। पिताजी आप इन्हें चाबी दे दीजिए प्लीज, मैं चलती हूँ। TV5 से लाइव टेलीकास्ट। अभी अभी पता चला है कि कोर्ट में शिवराम केस की फाइल पहुंच गई है। इस केस में सही जजमेंट न दे पाने की वजह से 2 जज को यहाँ राजीनामा देना पड़ा है, और अभी जो जज आए हैं उन्हें अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। ये लोग सही जजमेंट देंगे ये सोचकर सब लोग उत्साहित हो रहे हैं। हाँ जज साहब आ गए। सर 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 सर, आप इस केस को डील कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। सर प्लीज, सर सर, मेरे पिताजी की जिंदगी आपके हाथ में सर, आप हमारी मदद कीजिए सर, सर प्लीज सर प्लीज। कोर्ट का निर्णय भावनाओं पे नहीं चलता, समझे? आज की कार्रवाई पूरी हुई, फैसला दूसरे सेशन में सुनाया जाएगा। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद जज साहब आके पिताजी के केस का जजमेंट देंगे। फैसला नहीं होगा। ये क्या सर, जज साहब के आने का वक्त हो गया है। जज नहीं आएगा। वो क्यों? 2 कदम पीछे हट जाओ। भाई खबर मिली है कि वो लोग उसे नहीं पकड़ पाए। पिताजी के बाहर आने से पहले वो कहाँ ये पता चलना चाहिए। ए, 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 इधर स्पोर्ट्स टीचर्स कौन है? आ? आ? तुम हो या मैं हूँ? आप हैं। आ? आप ही हो सर। तो फिर तुम इधर क्या कर रहे हो? सर इसको डाउट था, वही मैं क्लियर कर रहा था। चल बोल दे। सर काफी वेट है, जरा संभाल के बोल दे। ए चंदू। सर बॉल तो इधर है सर, लेकिन बैट कहाँ है? सर क्रिकेट नहीं है सर, ये शॉर्ट पुट है। देख जोक सुनकर सामने वाले ने हंसना चाहिए। ठीक है सर। मिस्टर अगर तुम इन्हें सिखाओगे तो ये सिर्फ कॉलेज ग्राउंड तक खेलेंगे, और अगर मैं इन्हें सिखाऊंगा तो ये डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक बहुत ऊपर तक जाएंगे। इंडियन टीम में कौन खेल रहे हैं? मेरे चेले। अकेडमी में आप भी खेल रहे हो? क्यों कोई शक है? बस क्लैरिफाई कर रहा था। कब से देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। क्या शॉट है सर। चल अब आ गया। ए चंदू ध्यान से देख, बॉल ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे करके ऊपर लेके ऐसे पकड़ के ऐसे करके फेंकना। बॉल कहाँ चला गया? क्या जोक था सर, आपने ऊपर फेंका और लगा इसको। सर
आपकी बॉडी रियल है कि नहीं। ए, 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 मेरी बॉडी पर डाउट मत कर, अगर भड़क गया तो फोड़ डालूंगा। सॉरी सर, सॉरी। दो क्या? दो, 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 दो। हाँ, आइंदा से याद रखना, नहीं तो दिखाई नहीं दोगे, समझ गए? हाँ। इसका मतलब इस कॉलेज में इसका बाप भी है। गुड मॉर्निंग जेम्सन सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ एक कप कॉफी। क्या हुआ सर? आप इस तरह? ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, वहीं आके बात करता हूँ, फिकर मत कर। सर आप ऐसे उछल क्यों रहे हैं? क्या कहूँ, कैंसर होने से बॉडी बिगड़ जाती है, सिगरेट पीना बुरी बात है। वैसे मुझे क्यों बुलाया? वो विजय नाम का लड़का है ना, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो क्या करूँ? नहीं सर। उसका हाथ तोड़ दूँ? नहीं सर। सर पे पत्थर डाल दूँ? नहीं सर। तो फिर क्या करूँ? मुझे उसका सेल फोन दे दीजिए। सेल फोन चाहिए तुम्हें? बहुत पसंद है क्या? वो मेरी फोटो खींच कर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सर। डोंट वरी, एक उल्टे हाथ से एक सीधे हाथ से बजाने से वो मच्छर तो क्या, उसका बाप वो भी अपना फोन देगा। ओ माँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लो बन गया 10 पैक। अब अर्नोल्ड भी देखकर डर जाएगा मुझे। हाँ, मेरा 10 पैक। अरे तो ये है सर की बॉडी का राज, अभी बताता हूँ। हेलो, कौन है? सर मैं यहीं पर हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। आपने आने को कहा था, कहाँ पर आऊँ सर? हमारे कॉलेज के बाहर एक प्लेग्राउंड है, उसके अंदर गोडाउन है, तुम वहाँ आ जाना। ठीक है? ठीक है सर। जिमसन सर, जिमसन सर, जिमसन सर, वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम टू आर फाइट क्लब। फाइट क्लब? डर गए क्या? तुझे क्या लगा तुझे स्टाइल मारने बुलाया? इतनी लड़कियां हैं, मैंने सोचा। मैंने कहा था ना सर, इसको बहुत चर्बी है। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। ए, लड़कियों से भिड़ना मर्दानगी नहीं है, दम है तो मुझसे लड़ो। सर आपको सर्दी हुई है क्या? विक्स लाकर दूं? ए, ये मेरा स्टाइल है, तुझे नहीं पता? शाहरुख होता तो स्टाइल लगता, आप तो कॉमेडियन लग रहे हो। कॉमेडी लग रहा है तुझे? तू ऐसे नहीं मानेगा, फाइट शुरू करो। यस। अबे ओए, शटर थोड़ा खुला रखना, भागने के काम आएगा। यहां चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी यहां से नहीं जाएगा, यहां एक बढ़िया शो होने वाला है, डोंट मिस दिस एक्शन एपिसोड। अपना सेलफोन दे। मेरा सेलफोन? ये लीजिए सर। इतनी जल्दी तू मान नहीं सकता, पहले मुझसे लड़ो। सर मेरी बात तो सुनो, एक बार कमिट किया सो किया। मेरी बात सुनिए सर, मैं अपनी खुद की बात नहीं सुनता। गर्ल्स तुम लोग जरा दूर रहो, नहीं तो तुम पर खून के छींटे पड़ जाएंगे। बैक बैक बैक, कम दिस साइड। अरे तू किस मिट्टी का बना है, तुझे हथियार से डर नहीं लगता क्या? मेरे पास भी एक हथियार है। कहाँ है? है? ये पिन है। ये छोटी सी सुई मेरा क्या बिगाड़ेगी? सर जान निकालने के लिए तलवार चाहिए, लेकिन हवा निकालने के लिए पिन ही बहुत है। हवा? यू मीन एयर? यस सर। हवा निकल जाएगी। बस एक ही बात,
बस एक ही बार, नहीं बस एक ही बार प्लीज। लेडीज यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, तुम लोग यहाँ से जाओ। नहीं नहीं सर, हम आपका एक्शन मिस नहीं कर सकते, हम आपका एक्शन जरूर देखेंगे। मारो सर। हाँ हाँ सर, प्रोसीड सर प्रोसीड। वन सेकेंड। जराटो अभी कुछ देर पहले आपने कुछ बोला था सर। ओए शटर थोड़ा खुला रखना, भागने के काम आएगा। अब वो डायलॉग मेरे लिए था, मेरे लिए। शिवराम केस की सुनवाई करने वाले एक जज ने आत्महत्या कर ली, दो जजों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्या डायलॉग बोल रहा है? ए, ये डायलॉग मुझे दोबारा सुनना है। रिवाइंड करूं क्या पिताजी? रिवाइंड करने की क्या जरूरत है, लाइव सुनते हैं ना। बात करने के लिए माइक नहीं है ना। लो बोलो बोलो जज साहब, बोलो ना। जब फैसला सुनाते हो तो तुम्हारे पीछे एक फोटो होती है। कौन सी फोटो होती है? हाँ, राष्ट्रपिता गांधी बाबा की फोटो। उन्होंने एक बात कही थी, याद है तुम्हें? 100 दोषियों को सजा नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ए, उन निर्दोषों की लिस्ट पढ़ के सुना। जज की पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी बीवियां, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां, और उनके पोता पोती, सबको मिलाकर पूरे 21 निर्दोष। कुल मिलाकर 21 लोग। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं वैसे 100 दोषियों को तो नहीं, लेकिन एक निर्दोष को जरूर बचाऊंगा और 21 निर्दोषों को नहीं मारूंगा। जज साहब तुम्हें दिख रहा है क्या पिताजी? कल 10 बजे जज साहब का जजमेंट मुझे पता चल गया है। इसकी आंखों में दिख रहा है मुझे इसका जजमेंट। मुझे कोई जेमसन की जरूरत नहीं, ना ही कोई सन की जरूरत है। अब श्वेता खुद उसका सामना करेगी। लोकल है या फॉरेन है? लोकल। हाँ कर लेगी, तुम्हारे पूरी बॉडी का एक्सरे उसके पास होगा, जब देखो तब वो देखता रहता होगा। सुनो, तुम देखना आज उसे मार कर रहूंगी और सेल फोन लेकर ही रहूंगी मैं। झूम लगता था। अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये गेटअप स्टुअर्ट मॉर्टिन का है। तू जा ऑयल लेकर आ जा। सही कहा, जाकर ऑयल लेकर आओ और मेरी बॉडी की मालिश करो। लेकिन तू पूरी बॉडी पे ऑयल लगे करेगी क्या? पहले मेरा हाथ पकड़ो, हाथ को खींचो। इसीलिए गर्ल्स फॉलो मी। अरे सेल फोन कहाँ है? कहाँ पर रखा है यार? श्वेता क्या है? अरे उसको तो देख, अभी उसे दिखने का टाइम है क्या? अरे उसका फेस नहीं, उसकी पैंट देख, पैंट। अरे क्या बकवास कर रही? अरे यार पैंट, उसकी पैंट के अंदर मोबाइल है ना, वो देखने के लिए बोल रही हूँ। मेरा हाथ दब गया। वेट कर, कब तक करूं उसके उठने का? देवी माँ मदद करो, देवी माँ मदद करो, देवी माँ मदद करो। आ, 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 आ,
मैंने भी पकड़ लिया। अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? अरे किधर है चोर? चोर? मेरे घर में चोर? किधर है चोर? सपने में आया था सर, पता नहीं फिर कहाँ चला गया। इस उम्र में चोर के सपने आते तुम्हें? लड़कियों के आने चाहिए। हाँ सर। नई जगह है ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। नई प्लेस है ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। जब तक मैं हूँ इस कॉलोनी में तुम डरो मत। भूत भूत। अरे मैं हूँ जी आपकी पत्नी। तुम इस टाइम पे क्या है? अरे इस मून लाइट में मेरी स्किन खराब ना हो जाए इसलिए लगाया है। वैसे अपनी डिसिप्लिन डॉटर नीचे ही है ना। हाँ? अरे वो बहुत नाजुक और नादान लड़की है, गाय जैसी एकदम सीधी है। मैं आ रहा हूँ बेटी, आ रहा हूँ। अरे अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम? तेरी नादान लड़की बिल्कुल सीधी साधी डिसिप्लिन डॉटर, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। बचाओ। पूरी बॉडी में बहुत सारा ऑयल लगा रखा है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर बाहर ऐसे नहीं जा सकती इसलिए शर्ट डाल दी है। देखती हूँ अभी ये क्या करेगा। एक मिनट, इस सेल में कैमरा नहीं है, इसे रखकर चली जाओ। जाओ जाओ। मैंने इसे कहीं देखा है, कहाँ पर देखा है? हाथ उठाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छी मूवी आई, उसे भी नहीं देखने जाकर स्कूटी लेकर आओ। उसे मैंने कहीं देखा है? देखा है उसे मैंने। क्या हुआ? लगता है टायर पंक्चर हो गया। टैक्सी भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाएंगे? हेलो रानी जी, के रथ को क्या हो गया? पंक्चर हो गया। तो आ जाओ लिफ्ट देता हूँ। चल चल चल, हम किसी भी स्ट्रेंजर से लिफ्ट नहीं लेते। क्या मैं स्ट्रेंजर हूँ? देखो कलकत्ता MG रोड, आधी रात में एक लड़की बीच रोड पर। वेट वेट वेट, श्वेता एक लड़की है, ये तुम्हें किसने बताया? है ना, मुझे भी यही डाउट था। श्वेता लड़की नहीं, श्वेता शेनी है। मैं डर गया। देखो श्वेता, यहाँ पर रात को काफी लोग शराब पीकर घूमते हैं, संभल कर जाइएगा। विजय के साथ चले जाती तो अच्छा होता, मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। देखो कुत्ते भी रो रहे हैं। कुत्ते रोए तो रोते रहे, मैं भी शेरनी हूँ शेरनी। श्वेता वो शराब पीकर इधर ही आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? ए, तुझे कौन सी वाली चाहिए? मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। अरे ये क्या, मुझे भी तो वही चाहिए। बच गई। जा रहे दिव्या, ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। पता ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सिर्फ तुम्हारे बारे में। जा चल, देख रही है। श्वेता एक बात बोलती हूँ, बुरा मत मानना, विजय फिर से आ गया, चलो हम चलते हैं। श्वेता ये कहाँ चली गई? दिव्या जल्दी कर भाग यहाँ से। हाँ।
उसे कहीं तो देखा है मैंने, नहीं मैंने कहीं देखा है इसे, लेकिन कहाँ देखा? हे भगवान, वो नहीं होना चाहिए। 2005 इंटरमीडिएट लास्ट ईयर, जब सीनू ने आई लव यू कहकर मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे चप्पल मारकर ये कहा था कि जो मुझे प्यार करेगा वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली क्वालिटी नंबर वन। जब वो मुझे टच करे तो मेरा रोम रोम से हर उठे। हम दोनों कहीं से गुजरे तो देखने वाली लड़कियों को बहुत जलन होनी चाहिए। वो शरीर के जिस अंग को टच करे वहां से अगर हवा भी गुजरे तो ऐसा लगना चाहिए कि वही टच कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये सब क्या है? इतने दिन से ये तेरा घर है बोल के हमसे रेंट ले रही थी और वो तेरा चाचा है। हमारा सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दिया और हमें कितना मारा, बड़ों की इज्जत तक नहीं। देख कितना मारा है हमें, देख। ए, ये सब तेरे लफड़े तूने पहले क्यों नहीं बताए, जवाब क्यों नहीं देती? हर रोज हमसे फीस भरना है, बुक लेना है, ये सब कह के पैसे लेती रही। छे, एक लड़की होकर ऐसे गंदे काम करती है, ये डैमेज। और मेरा एडवांस कौन देगा बता? एक हफ्ता आप इंतजार कीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। नहीं चलेगा, मुझे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। सीधी तरह से मेरा पैसा दे दो। कितना? ये लो, एक हीरो आ गया, तू पैसा देगा? कितना? एडवांस 10,000 और इतने नुकसान का 15,000। ये ले पूरे 25,000 और जा यहाँ से, जा। ए, आज के बाद किसी को रेंट पे रूम मत देना, ये काफी पैसे वाला है, इसका हाथ पकड़ ले, सेटल हो जा। तुम्हें बोलने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद तुम लोग चूकते नहीं हो। आइंदा अगर कहीं मुंह खोला तो जा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मैं आपके रूम में रहूंगा। रहने दो, आप मेरे चाचा को नहीं जानते। तुम्हारे चाचा जी मुझे नहीं जानते। मैं आपका रूम छोड़ रहा हूं। ठीक है, दिव्या को एक सहारे की जरूरत है, तुम उसके साथ हो तो अच्छी बात है। देखो उसने क्या किया है। दिव्या के पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, जब तक वो जिंदा थे उन लोगों ने दिव्या को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन वो दोनों एक हादसे में मारे गए। जब से वो कमीना उसका चाचा, उसने सब कुछ हड़प लिया, अब इस मकान को हड़पने के चक्कर में है। देखा ना क्या किया, बेचारी कितना तकलीफ सह रही है। इस दुनिया में किसी लड़की का अनाथ होना मतलब बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है अनाथ होकर। मैं बस 5 मिनट में सेट कर देती हूँ। कोई बात नहीं। कितनी हिम्मत है तुझमें? मैंने कितनी बार कहा था ये घर भाड़े पे मत दे। क्या कर रही है? तो बीच में मत आ, तेरी भी एक बेटी है, लड़की है, इसलिए सिर्फ मैं बातचीत से ही समझा रहा हूँ। अब देख, दरवाजा बंद कर। छोड़ दो चाचा जी। कौन सी कोर्ट? आज तुझे आकर पछाती है, देखता हूँ मैं। कौन है ये? कौन है? सामने आ, सामने आ। तू दिव्या का रिलेटिव है, मैंने सोचा तुझमें थोड़ी सी अच्छाई होगी, लेकिन उस अच्छाई को निकलने में कुछ तो बीच में आड़े आ रहा है। क्या है वो, क्या है वो? 10 जन तुम्हारे पीछे, इस हिम्मत से तू सब कुछ कर रहा है? निकालूंगा तेरे अंदर से अच्छाई को, बाहर निकालूंगा।
Hey! अगर तू सच में एक बाप की औलाद है तो अपने चेहरे पर यह हंसी और दिव्या पे अपना हाथ थोड़ी देर के लिए रख, थोड़ी देर के लिए। हंसी जा रही है। हाँ ऐसे ही रहो। अगर दोबारा इस एरिया में आया तो तू नहीं सोचेगा कि यहां क्यों आया, बल्कि तू ये सोचेगा कि इस दुनिया में क्यों आया है। जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ बेटा? थोड़ी चोट लगी है, बस दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। रुको बैंडेज लेके आता हूं। कोई बात नहीं, मैंने किसी को जितना दुख दिया है उसके मुकाबले ये कुछ नहीं। सर, आपके पिताजी का केस डील करने के लिए कोई भी जज सामने नहीं आ रहा, इस वजह से वो 10 दिन में बाहर आ जाएंगे। लेकिन पिताजी ने 6 महीने जो नर्क की जिंदगी जी है उस दौरान उन्होंने जो चाहा है वो मैं उन्हें बतौर तोहफा दूंगा। भाई, हमारे आदमी ने कलकत्ता में जो फोटो लिया ये है भाई। Hey, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, भुवनेश्वर, कनकपुर, कलकत्ता, कटक या पाताल में छुपा हो, तो निकालो से। Hey, विजय, चाहे तो कहीं भी छुप जा, मौत तुझे ढूंढ कर खत्म कर देगी। क्या 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 क्या? तू विजय से लव करती है? Yes, I'm in love with Vijay. हाँ, I'm in love with Vijay. ये सुनाई दे मुझे? क्या? श्वेता वो क्या रहा है? वो मैं कह रही थी कि वो विजय है ना, वो मुझसे लव करता है। अरे, हंस क्यों रही है? ये ईयर का बेस्ट जोक था रे। हमारे प्यार की नदी में पैर रखने की कोशिश भी मत करना, बह जाएगी। तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तुझे अगर शक है तो मैं विजय से ना आई लव यू बुलवाती हूँ, ठीक है? ट्राई करके देखते हैं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? पता कब से चीख रही है, पता नहीं क्या हुआ मेरे डॉक्टर को। क्या हुआ? क्यों चीख रही है? लगता है करंट लगा है मेरी बेटी को। यहाँ बहुत सारा पानी है, मैं करंट से मर जाऊंगी। पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए। पिताजी, मैं अच्छी तरह पढ़ के कलेक्टर बन के अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। कोई तो मुझे बचाओ। My lovely doctor. किसी को तो बचाने के लिए भेजिए ना पिताजी। मैं आऊँ क्या बेटी? नहीं नहीं पिताजी, आप हमारे वंश के इकलौते मर्द हो, अगर आप भी चले जाओगे तो हमारा वंश कैसे चलेगा? नहीं, नहीं। कोई 6 फुट के आदमी को भेज दीजिए ना पिताजी। अभी मैं 6 फुट का आदमी कहाँ से लाऊं बेटी? पिताजी, आप नीचे जाकर ढूंढिए, मिल जाएगा। आने वाला मर्द कम से कम 6 फुट का होना चाहिए, समझ गए ना पिताजी? तुमसे 1/2 इंच कम हूँ, चलेगा क्या? 6 फीट में 6 इंच भी कम होगा तो नहीं चलेगा पिताजी। नहीं चलेगा? क्या प्रॉब्लम है? 6 फुट का आदमी आ गया पिताजी, उसे भेज दीजिए ना, उसे जल्दी भेजिए ना पिताजी। बेटा, तुम्हारा हाइट कितना है? 6'1". बहुत अच्छा बेटा, अंदर मेरी बेटी की जान जा रही है, उसे जाके बचा लो बेटा, बचा लो बेटा उसे। तुम उससे लंबे हो ना, तुम जाओ। मेरी जान बचाने के लिए कहिए पिताजी।
बचा लो ना। कम 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 कम। बाप रे। क्या हुआ बेटा? बताओ ना क्या हुआ? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे अंदर जाके बचाओ ना, अंदर जाके उसे जान बचाओ, जाओ अंदर जाओ। बाप रे। सर मेरी बात सुनो, एक बेटी के बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, तुमको अंदर जाना पड़ेगा। बेटी मैं इसको अंदर भेज रहा हूँ। जाओ जाओ, चलो अंदर जाओ। बचाओ। ये बचा रहा है या चिपक रहा है? बचाओ मुझे, बचाओ ना। 15 मिनट से उसे वो अंदर बचाते ही जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बचा रहा। बचाओ ना। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी फूल जैसी बेटी को, क्या हुआ? अरे देखो ये भी तो कुछ नहीं बता रहा। ये क्या बात करेगा, बहुत जोर का झटका जो लगा है, जवानी का झटका कुछ ज्यादा ही असरदार था। मतलब? आप नहीं समझेंगे। एक एम्बुलेंस बुलाओ और 10 डॉक्टरों को बुलाओ जल्दी। हाँ विजय, विजय 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 विजय, थैंक यू विजय, आई लाइक यू विजय, थैंक यू। बात बोले तो तू ही एक विजय। श्वेता, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो एक कप कॉफी पिए। सॉरी सर, इस वक्त मूड नहीं है। व्हाई? सर मुझे किसी से प्यार हो गया है, उसकी हंसी, उसकी फिजिक, उसकी हाइट, उसका सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। है, है, है। बिल्कुल है। क्या सर? लव। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना, उसे डायरेक्ट बोल दो ना, आई लव यू। नहीं मैं लड़की हूँ ना सर। शर्मा रही है? आई नो। अच्छा तो एक काम करो। क्या सर? एक बढ़िया सी कार ले जाओ। कार तो नहीं है सर। डोंट वरी, मेरी अपनी है, ले जाओ। हाँ, फुल पेट्रोल डलवाओ। इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास सर। ए, हाँ ये लो। ये पैसे, लेकिन सर। ए, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। क्या सर? रुपए। उस कार में अपने लवर को बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर स्पीड से तुम लोग आगे बढ़ते रहो, पेट्रोल खत्म होने तक जाते ही रहो। इस बीच में अगर उसने तुम्हें कहाँ जा रही हो ऐसा नहीं पूछा तो समझो कि वो तुमसे प्यार करता है। उस वक्त तुम उसे आई लव यू कह देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। श्वेता। क्या सर? अब मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? क्यों सर? तुम्हारे साथ कार में जो बैठना है। आप मेरे साथ क्यों आएंगे सर? यू नॉटी, तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना? जेम्सन सर, आपकी पूरी बॉडी में मुझे सिर्फ कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी? आपसे भला कौन सी लड़की प्यार करेगी? मैं विजय से प्यार करती हूँ। बाय। माँ, आज मेरा प्यार खत्म हो गया। कोई बात नहीं है। हे भगवान, जेम्स सर ने जो कहा है वैसा पेट्रोल खत्म होने तक नहीं पूछना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। श्वेता, तुम बात मत करो, बात मत करो। वो बात नहीं है। अरे मैंने कहा ना कि बात मत करो, डोंट टॉक यार। अरे मेरी बात तो, पेट्रोल खत्म होने वाला है। हाय आरती। अरे श्वेता, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कुछ बोलो मत, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगा था इसका दिमाग खराब है, इसका तो कान भी खराब है। कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं, नहीं। ये तो पागल है, पेट्रोल खत्म होने पर लोग दुखी होते हैं तो खुश हो रही है। अरे ये क्या, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हुआ? प्लान करके आई हूँ, ऐसा तो होना ही था। क्या? नहीं कुछ नहीं, पेट्रोल यहाँ से भरवा लेंगे। ये तो पागल हो गई। Now I'll practice. I love you, Vijay. Vijay, I love you. I love you, Vijay.
विजय आई लव यू। सचमुच इसका लूज है। विजय आई लव यू। भाई हम लोग जैसे ढूंढ रहे वो पेट्रोल में। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो। आई लव यू विजय, आई लव यू विजय। मुझे तब करना, तुम दिल से ना खेलना, गुस्सा तुम ना करना, दखला तो मत दिखाना, छोड़ मुझे ना जाना। You're something, ये जादू तेरा चल गया, और feeling, तू दिल पर मेरा बन गया, मैं तुमको दिल में रखूंगी जाने जा, और आई, हाँ प्यार करूंगी जाने जा, ये वादा कभी तुम जाना जानम। याद रखना रानी, मेरा दिल रंगीला सुन रहा है। जवानी नादानी करती है इश्क बेचारी, तू करना जो चाहे नादानी। हेलो मिस हसीना, दिल मेरा तब लेना, शर्ते तुम सुन लेना, प्यार मुझे तब करना, तुम दिल से ना खेलना, गुस्सा तुम ना करना, अखला तो मत दिखाना, छोड़ मुझे ना जाना। वही मेरी, दिल ना तोड़ूंगी तेरा मैं कभी।
ये प्यार है तेरा नादानी। ओ चारम दीवानी, मैं तेरी हूँ दीवानी, तेरी है ये मेरी जवानी। हेलो मिस हसीना, दिल मेरा तब लेना, शर्तें तुम सुन लेना, प्यार मुझे तब करना। तुम दिल से ना खेलना, गुस्सा तुम ना करना, नखरा तो मत दिखाना, छोड़ मुझे ना जाना। हेलो, सतिया को मार दिया भाई। कौन है वो? किसने मारा पता नहीं भाई। कैसे मारा, मार किया क्या? वदन पे एक खून का कतरा भी नहीं भाई, जैसे मुर्गी का गर्दन घुमाते हैं ऐसे घुमा डाल दिया भाई। वही है, यकीनन वही है। तुम लोग वही रोको, मैं अभी आ रहा हूँ। पूरे 8 महीने जेल की दीवारों को देखकर गुजारा, और जेल से बाहर आते ही आपके दर्शन हुए। कैसा लग रहा है फादर? परम पिता के पुत्र की हैसियत से पूछ रहा हूं फादर, बताइए बताइए फादर। आप सिर्फ एक जान को बचाना चाहते हैं फादर, सिर्फ एक जान को, उसके लिए दूसरी कितनी जानों को दांव पर लगाएंगे? बताता हूँ, मुझे जो मालूम है बताता हूँ। हमें उसका पता लगाना होगा, अगर उसे पता चल गया कि हम कहाँ हैं, तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यू आर काउंट डाउन स्टार्ट्स विद इन 15 सेकंड्स। एक्सक्यूज मी मैं बताऊं, मैंने इसे अपने साथ सोने के लिए कहा, लेकिन ये मान नहीं रही। तुम ही समझा दो। You bastard! तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? तू रुक। ओ, इसके बदले तुझे नहीं पूछा इसलिए क्या? मुझे तो दोनों आइटम चलेगी। क्या बोला है? फादर, आज न्यू ईयर का पहला दिन है और मैंने उसे मारा क्योंकि वो बुरा है, लेकिन फिर भी इतने लोगों के बीच उसकी इंसल्ट की। जीजस मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देंगे ना? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी सजा जानती हो? बोलो फादर। वो आदमी अब तुम्हारा रेप करेगा। इतने दिनों से ढूंढ रहे थे कुत्तों की तरह, समझो कि वो मिल गई। हाँ बोलिए पिताजी। फोटो मिल गई उसकी। फोटो मिल गई? निकलो जल्दी वहां से। अभी अभी आ रहा हूं मैं। तू ए चलो पिताजी, वो फोटो मुझे एमएमएस कर दीजिए। कमान 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 कमान। ए गाड़ी रोक, गाड़ी वापस घुमा। पिताजी आपके पास उसके फोटो है, लेकिन मेरे पास वो लड़की है, आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, मैं उसे लेके आ रहा हूं। चल 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 बैठ। छोड़ो छोड़ो मुझे। काम मुंह बंद कर। Oh, my God.
आप फंस गए जाल में। सुनिए, चलिए इधर से, वो लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। पकड़ के दिखा। टच करके दिखा। मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, पूरे पंद्रह साल से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बगैर पल के झपके जिसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागकर ढूंढता रहा हूँ। मेरी उस बहन को तुम लोग मेरी आंखों के सामने मारोगे? मेरी प्यारी बहन के सामने कोई आएगा तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, उसे चुन चुन कर काट दूंगा। दिव्या को घबराने की जरूरत नहीं है, शी इज सेफ।
बेटा तुम दिव्या की जिंदगी में एक भगवान का वर बन के आए हो। आज वो जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज उसके जीने मरने का उसका कारण मैं ही हूं। मैं ही आप जैसा समझते हैं कि मैं उसके जीवन में एक वरदान हूं, वरदान नहीं श्राप हूं। श्राप श्राप श्राप। उसके कष्ट का भी कारण मैं हूं। मैं उसके दुखों का कारण भी मैं हूं। मैं हूं। वो जिसे बुरा इंसान समझकर नफरत करती है वो बुरा इंसान, वो बुरा भाई मैं ही हूं। मैं ही। मर गया साला गुंडा शंकर, मर गया। इस कॉलोनी का शनि मर गया और साला गुंडा मर गया। भैया आज दिवाली है क्या? नहीं बहन। तो फिर आज ये लोग पटाखे क्यों जला रहे? पिताजी मर गए ना इसलिए। तो सब लोगों को रोना चाहिए था ना। पिताजी ने उनको रुलाया ना इसलिए वो अब हंस रहे। क्या देख रहा है तेरा बाप? कुत्ते की मौत मरा है। चल भाग भाग यार, चल भाग। भैया मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे रमेश की बेटी भाग गई पता है? हाँ? अम्मा कुछ खाने को तो भूख लगा है। हाँ हाँ पूरी कॉलोनी में तो मैं ही रहेगी ना तेरे को खाना खिलाने के लिए। वैसे भी तुम लोगों को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ इधर से। दोबारा मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। भैया कुछ खाने को तो ना, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है। ए, कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। ए, चल जा। ए, तेरे बाप ने यहाँ जमा करके रखा है क्या? चल जा। भैया ए बोल रहा हूँ तुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है क्या? चल जा इधर से। भैया जाने दो भैया, मुझे भूख नहीं लगी है। करीम चाचा, करीम चाचा एक रुपया दे दो, अब चुप हो लगे मैं काम करूंगा। आज तो भीख मांग रहे हो, कल हमारे ऊपर ही गुंडागर्दी करोगे। करीम चाचा बहुत भूख लगी है। मर जा। करीम चाचा जाने दो भैया, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, हम कहीं जाके मर जाएंगे। तुम यही रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तुम वापस आ जाओगे ना? सच सच में आ जाऊंगा। हाँ मेरी बहनों, असली सोना तो है पर तुम रविशंकर के बेटे हो ना? हाँ सर। इसे लेकर मुझे पैसा दे दो। कहाँ से चोरी करके लाया? चोरी नहीं किया सर, ये मेरी छोटी बहन की है। अच्छा ये बात तुम पुलिस को बताना। नहीं सर। अरे अरे अरे। और फिर मैं जहाँ जहाँ जाता था चोर का बेटा कहकर लोग मुझे धुतकारते रहे और इस वजह से हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी खराब हो गई। देखो बेटी लगता है तुम्हारा कोई नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाना और कपड़ा देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। नहीं मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भाई है, वो मेरे लिए खाना लाने गया है, वो वापस आएगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। चलो नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे। अरे अरे उठो संभलो। चलो तुम मेरे साथ। सर ये कौन है? सर क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले, ये अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं बेटा। ये लोग खाना भी देते हैं? देते हैं बेटा, तीनों टाइम खाना देते हैं। तीनों टाइम ही खाना देते हैं और अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, माँ बाप जैसा ख्याल रखते हैं बेटा। चलो मेरे साथ। भैया मेरा भाई आ गया। भैया भैया ये मुझे अपने पास से ले जाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ। आप बताओ ना आप मेरे भाई हो। बेटे ये तुम्हारी बहन है। ये क्यों मुझे बार बार भाई बोल रही है? ये तो रोड के साइड में खड़ी थी, मैंने इसको खाना क्या खिलाया, मुझे बार बार परेशान कर रही है। लेके जाओ सर, लेके जाओ इसे। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे डर लग रहा है। बोलो ना भैया आप मेरे भाई हो ना, बोलो ना भैया, बोलो ना जी। लेके जाओ इसको, मेरा दिमाग खराब कर रही है।
जाओ जाकर दिव्या को लेकर। बेटी एक सप्ताह से रोज वो तुमसे मिलने यहाँ आता रहता है। मुझे लगता है वो जो कह रहा है वो सच है। दिव्या? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। मैं तो अनाथ हूँ। को जब किसी ने गोद लिया सुनकर मैं उसे देखने के लिए गया। भगवान ने मेरी बहन को नया रिश्ता देकर भगवान ने यह साबित कर दिया था कि इस दुनिया में भगवान है, और इसलिए मैं उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया ताकि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करें। आप एक डेयरिंग एंड डायनेमिक ऑफिसर, जहां देखो वहीं गोली मारने का ऑर्डर दिया। मार डालने के लिए ना मैं बच्चा हूं ना पागल कुत्ता हूं। तुझे कितने ऑफर दिए, तू नहीं बदला। फाइनली तुझे दो चॉइस देता हूं। चॉइस नंबर वन, इससे तुझे मार देता हूं, मगर इसकी एक आदत है, एक गोली से इसकी प्यास नहीं बुझती। चॉइस नंबर टू, तू अपनी खुद की गवर्नमेंट रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ले। ऐसा करेगा तो मेरे बेटे की कसम। यहां जितने भी लोग हैं सब हमारे आदमी हैं।
बस ये दो चॉइस है तेरे पास। What's your good name? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस यूं ही। सबको मारने की जरूरत नहीं, हमारा डर भी मार देता है। हाँ बेटा, शिवराम बोल रहा हूँ। नया एसीपी तुम हो? हाँ भाई। ट्रक भी अपना है, आदमी भी अपने हैं, चेक क्या करना है ऐसी चेक कर ले और जाने दे। हाँ भाई। कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से चेक करके निकलने दे। ठीक है भाई। रशीद, ऊपर से चेक करके भिजवा दे। ओके सर। जैसा कहा था चेक कर लिया। बराबर चेक किया ना? हाँ सर। एक दो ब्लास्ट कैसे हो गया? हेलो। ए, क्या कहा था तेरे को तूने? क्या किया भाई? आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अगर हम अच्छे से चेक करते तो बॉम्ब का पता चल जाता ना। वैसे आपके बच्चे कितने हैं भाई? लड़का एक। उसको जरा संभाल कर रखिएगा। अच्छा ठीक है, आपने मुझे 5 गाड़ियां बोली थी ना। हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा था। ए, ये क्या था? बॉम्ब ब्लास्ट लाइव टेलीकास्ट। शिवराम नाम, जिसे सुन के दुनिया थर्राती है, मेरे से मत खेल। चल खेल तो मैं अब तेरे साथ खेलूंगा। कुचिपुड़ी, कथकली, क्लासिक, वेस्टर्न, तेरी पूरी जिंदगी भरतनाट्यम बनाकर छोड़ूंगा। किस तरह का हेल्प? मुझे भी बड़ा हो कि आपके जैसा पुलिस ऑफिसर बनना है। चाहे वो कहीं पे भी जाए, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। Tap 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 t
तू पकड़ेगा मुझे पपल का मैं छोटे बच्चों का। चलो नीचे करो। नया ऑफिसर है इसलिए मेरे प्लान मेरे गेम के बारे में तुझे पता नहीं। मेरा गेम बजाने के लिए मेरे पास जिसे मैं अपना कह सकूं माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा फ्रेंड एटलीस्ट लाइन मार सकूं ऐसी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बे? Hey, तो तू बेवजह मारा जाएगा। मेरे बदन पे जो पुलिस यूनिफॉर्म है ना वो मुझे मारने के लिए उत्साहित करती है ना कि मरने के लिए उत्साहित नहीं करती है। इससे बात क्या कर रहे हो पिताजी? मार डालो इसे। बेटा है तुम्हारा बहुत फास्ट फॉरवर्ड लग रहा है। कल रात के बारे में शायद तुम्हें नहीं पता कितने का नुकसान हुआ। हिंदी में बात कर। 42। 50 करने में मुझे कितना चाहिए? 8 भाई। अरे गणित में तो तू बहुत फास्ट है। 4, 6, 8, 10, 12। तुम तो 12 ही हो। कोई बात नहीं इनको भी गिनती भी ले ले। ए, मुझसे मत भेड़। जो भी पुलिस वाला भेड़ा मुझसे बचा नहीं। मेरे साथ भी आज तक जो भी गुंडा भिड़ा है वो नहीं बचा है। हर गेम में एक कंफ्यूजन होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इस गेम में मैं ही जीतूंगा। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तू कितनी बुरी तरह से हारने वाला है तब तुझे मेरे बारे में पता चलेगा। Hi, handsome. Yes? Can I have your phone number, please? ये जो साहब खड़े है ना इनके पास एक बॉक्स है उसमें मेरा फोन नंबर ही नहीं फुल डिटेल्स है। भाई जरा वो लड़की को मेरा नंबर दे देना। आज के दिन से तू मेरा भाई नहीं मेरा ब्रोकर है। ये घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या रे इधर इतनी रात में नाइट शिफ्ट है? पूरे के पूरे 11 लोग हो। बैट भी है स्टंप भी है बॉल किधर है बे? और नहीं तो क्या तू है ना इधर। यार एक बात है तू जोक बहुत अच्छा मारता है। मार डालो साले को। क्या रे मैच नहीं है फाइट है रियल फाइट है। रुक 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 तूने सुना नहीं मैंने रुकने को कहा है। ए पकड़ो ना इसे यार। अरे भाई क्या ये सट गया है? ए तुझे समझता नहीं क्या? जाओ 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 आजा अब आ गया। जल्दी बाहर आ जाओ जल्दी।
बात अच्छी थी। क्या है? ये सारे लोग शिवराम के आदमी हैं और ये उस कुत्ते का बेटा है। इनको देखकर तुम लोगों को डर लगता है, लेकिन आज तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है। आज तुम्हारे दिल में जितना भी गुस्सा है, जितने भी दिल में भड़ास है, सब बाहर निकाल सकते हो। आज करके दिखा दो। आज तुम्हारे अंदर जितनी भी हिम्मत है, जितनी भी ताकत है, इन्हें मारने में लगा दो। तुम्हें तो छोड़ना नहीं है। आ जाओ। तुम लोगों को एक बात बताऊं क्या? जब तुम लोगों को जोर से भूख लगती है और बिरयानी मिल जाए तो क्या मजा आता है खाने में। शाम के वक्त चिल्ड बियर मिल जाए तो क्या मजा आता है। तुम जिस लड़की को प्यार करते हो, उसे किस करते हो तो क्या मजा आता है। उसी तरह से वैसा ही हजार गुना मजा तब आएगा जब हम अन्याय करने वालों को मार मार के सबक सिखाएंगे। ए! 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 और ये मजा पूरी लाइफ में याद रहता है। आज ये चांस मैं तुम सबको दे रहा हूँ। मार डालो इन कमीनों को। जाने दो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हम सबको परेशान करेगा। मालूम था। अभी भी डर लग रहा है क्या? बाबा आप हटिए। आयशा, अरे बेटी, बैठिए भाई। याद रख, मैं ही हूं तुझे मारने वाली। और सुनो, आज के बाद तुम में से किसी ने भी इस कॉलोनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो एक एक के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। सॉरी बेटा, इस साल भी तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं पता चला। यहां से जो कोई भी जाता है अपना हाल चाल भेजते रहते हैं और अपने जन्मदिन के दिन लेटर भेजकर ब्लेसिंग लेते हैं, लेकिन एक तुम्हारी बहन है जिसका हमें एड्रेस तक पता नहीं। इसका वजह तुम्हारे प्रति उसके दिल में जो नफरत है वो हो सकता है, उसके बारे में तुम्हें पता न चले, इसलिए वो यहाँ पे लेटर वगैरह नहीं भेजती। गलती करने पर तो भगवान भी माफ कर देते हैं, लेकिन 10 साल पहले मैंने जो गलती की थी उसके प्रायश्चित करने का मौका तुमने आज तक मुझे नहीं दिया। तो तुम्हारे खून में है, तुम्हारे पीछे पुलिस का सपोर्ट है, ये सोचकर चल रहे हो? मेरा बेटा मेरी जान है और उसकी जान खतरे में है, और उसका कारण तुम लोग हो। मुझे जो चाहिए तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारे दिलों में डर मेरे नाम का, वो डर तुम्हारी जिंदगी के साथ जाना चाहिए। रजिस्ट्रार, यहां जो शॉप्स हैं, घर, ये पूरी जमीन, पूरी कॉलोनी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आज के बाद ये कॉलोनी आपका है सर। सर, माँ ने पेपर देने के लिए बोली। सर, ये साइन नहीं चलेगा। यो? इन लोगों ने इस जगह को किसी दूसरे आदमी के नाम ट्रांसफर कर दिया है। क्या हो रहा है ये सब? डर हमारे खून में है सर। जो हमें मारता है हम उसी के हाथ जोड़ते हैं, जिस पे कहता है उस पे साइन कर देते हैं, लेकिन
इतने लोगों को डराकर आपने जबरदस्ती साइन तो ले लिया है ना? वो एक है, अगर तुझ में दम है तो जाकर उससे साइन लेकर दिखा। तेरी माँ का, अगर तूने दूध पिया है तो जा जाकर उससे साइन लेकर दिखा। मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा साइन लेकर आ। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारी बातें सीखी, अच्छा भी पता है बुरा भी पता है, लेकिन एक ही चीज है जो अभी तक पता नहीं है, डर। ये डर होता क्या है? हाँ, मैंने सुना है तुम तो लोगों को डराते हो। सिर्फ एक बार मुझे भी डरा दो ना, मेरे डरने की बहुत इच्छा है। प्लीज एक बार डरा दो ना, प्लीज एक बार डरा दो। अरे यार, मुझे डराने की जगह तू पीछे पीछे जा रहा है, एक बार मुझे डरा ना, मैं भी डरना चाहता हूँ, प्लीज। अरे डराना मुझे, मेरी मौत भी सामने आ जाएगी ना तो भी मेरी आंखों में तुझे डर नहीं दिखेगा। दो दिन में तेरा ट्रांसफर करवाऊंगा। अले ले 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 ले, ओलो लो 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 लो, दु 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 दु। मेरा ट्रांसफर करवाएगा ना? कहाँ करवाएगा, कौन से एरिया में? अबे तू क्या करवाएगा, ऑलरेडी मैं अपना ट्रांसफर करवा के आया हूँ। तेरी तो जिंदगी भर मैं तेरे साथ रहूं, तू मेरी बीवी है या रखेल? हा? आज से तो शिवराम का चैप्टर क्लोज। तेरी 30 साल से पूरी सिटी में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को डराते आ रहे हो ना तुम लोग। डर क्या होता है मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट में, मेरा मतलब करेक्ट 600 सेकंड में। धड़ 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 करके कांपेगा। ए, चल गाड़ी निकाल। मुझे डराएगा वो भी 10 मिनट में? कैसे डराएगा रे? डर कैसे शुरू होता है ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है भाई। बच्चा, हेलो अजय, तू हॉस्पिटल में ही है ना? नहीं पिताजी, एक फॉरेन फिगर के साथ पब में एंजॉय कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, पब में क्यों गया तू? और नहीं तो क्या पिताजी, एक घंटे पहले आपने मेरी पोजीशन देखी, फिर आप क्यों पूछ रहे कि मैं कहाँ हूँ? नहीं बेटा, तुम कैसे हो ये पूछने के लिए फोन किया था। आप किसी टेंशन में क्या पिताजी? टेंशन में? हाँ। नहीं रे बच्चा। हेलो यारे, तूने क्या सोचा था मैं तेरे बेटे को डराकर तुझे डराऊंगा? मैं सभी डायरेक्ट काम करता हूँ, ऐसा इनडायरेक्ट काम मैं नहीं करता। सिर्फ 5 मिनट बाकी है ये बताने के लिए कि फोन किया था। क्या आदमी है, मुझे टाइम बता रहा है, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? आपको भी तो आ रहा है ना भाई। ये डर शुरू कैसे होता है? डर कैसे शुरू होता है ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है भाई। 1 मिनट का टाइम है भाई। टाइम बोलकर टेंशन मत दिला भाई, रोड में तो धुआं नजर आ रहा है भाई। ग्लास ऊपर उठा। रोड दिखाई नहीं दे रहा है भाई। रुक, रुक, गाड़ी रुक। भाई सिर्फ 5 सेकंड बचा है। भाई डराऊंगा बोलकर बच्चे कितना आया, कांच तोड़कर चला गया। नहीं रे, कुछ तो किया है उसने। कुछ तो हेलो, इस देश में सिर्फ तुम ही हो जिसने अपनी मौत की घंटी पहले ही सुन ली है। क्या कह रहे हो? हथियार अंदर गया, पता चला? कहाँ पे? जो अंदर गया है वो तलवार नहीं, इंजेक्शन है, डेंजरस पॉइजन इंजेक्शन। लेफ्ट हैंड में लिया है। और करेक्ट 12 घंटे के अंदर पॉइजन तेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और फिर तू टपक जाएगा, और उसके बाद तो टंका टका पूरे शहर में मजा आ जाएगा मामू। मैं जैसा कह रहा हूँ अगर वैसा करेगा तो
मरने से एक घंटे पहले मैं उस इंजेक्शन से बचने का तरीका बता दूंगा। अगर मर भी जाऊंगा तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसे वक्त में भी जोक करता है, नहीं करेगा तो भी मर जाएगा रे। क्या करना है, क्या करना है मुझे बताओ। वो सब मैं नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा, बाय। अरे गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। क्या हुआ भाई? अरे हॉस्पिटल जाना, गाड़ी निकालो। चलो चलो। अरे कुछ तो इंजेक्शन है। अबे उल्लू इधर आ जा, जल्दी की बात सुन। क्या टेस्ट का होता है? बोलिए क्या मतलब टेस्ट का होता है? फर्स्ट तो ऑन भर दीजिए। हट हट हट। अरे चल अगले हफ्ते आकर। हां ये भाई ब्लड टेस्ट। अरे लाइन में खड़े रहो। फर्स्ट टाइम है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेरी गुड। पॉजिटिव कैसे बैड हो सकता है? यही वक्त है धीरज रखने का। डॉक्टर ने आपको बुलाया है। बताइए शास्त्री जी। आदित्य, आदित्य। हाँ आदित्य शास्त्री। अच्छा ये बताइए आपका नस वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा है ना? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, मैं घर जाकर आता हूँ। आपका संसार तो शुरू हो गया? नहीं नहीं उतना अच्छा नहीं हुआ हूँ, बस दहलीज तक जाकर आऊंगा। आते समय दरवाजा बंद करके आइएगा। वो क्यों? नस का प्रॉब्लम आपको है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले को नहीं है। आप यूज नहीं कर रहे हैं तो किसी और को मत दीजिए, ऑनर की तरह बंद कर रही है। चुप रहिए ना डॉक्टर। ये सब घर पर जाकर कीजिए, मेरे साथ नहीं। डॉक्टर जल्दी से मेरे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बताइए। शास्त्री जी ये मेरे पेशेंट है, हम लोग कल मिलते हैं, आप जाइए। हाँ वैसे भी मुझे घर पे काम है। हाँ मुझे पता है क्या काम है। बताइए डॉक्टर। आपका नाम क्या है? शिवराम। मेरा नाम कृष्ण भगवान और MBBS भी। मेरा हॉबीज है स्टैम्प कलेक्शन, फिल्म देखना और नए दोस्त बनाना और कभी कभी ऐसे पेशेंट लोग से बात करना। लेकिन ये आप सब मुझे क्यों बता रहे हैं? पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने वाला पेशेंट ही कहलाता है। मैंने शंकर दादा फिल्म देखकर ये महसूस किया। जल्दी से मेरी रिपोर्ट देखकर रिजल्ट बताइए। अरे सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रोड टकलो जरा ऐसी तेज कर। हाइट 5'11", ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अरे डॉक्टर मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मतलब आपको भी मेरे जैसा प्रॉब्लम है क्या? जी जी मैं सही कह रहा हूँ ना, इनका भी ओ पॉजिटिव है और मेरा भी। जो प्रॉब्लम मुझे है वही प्रॉब्लम इन्हें भी है, तो इनका भी वही इलाज होना चाहिए जो मेरा हुआ है। सही कह रहा हूँ ना डॉक्टर? इनके हाथ में गन है और उसकी नली आपकी तरफ है। अरे ये क्या? रिपोर्ट देखकर रिजल्ट बताइए डॉक्टर। पहले इसको अंदर रखिए। हमारे 20 डॉक्टरों ने मिलकर आधे घंटे में ये पता लगाया है कि किसी ने आपके बॉडी में खतरनाक पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया है। अरे तेरी तो, ये सब मुझे पता है। पॉइजन कैसे निकालना ये बताओ। नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से गुस्सा न करें, किसी को मारे नहीं, इस तरह से बैठे नहीं। क्या करना चाहिए? इसका एक ही उपाय है, एंटी पॉइजन देता हूँ। तो ठीक है जल्दी से, जल्दी से डॉक्टर। ज्यादा जल्दी मत कीजिए, पकड़। अरे इनको क्यों पकड़ रहे हो? जिसने पॉइजन दिया उसको पकड़ो, हम उसे पता करेंगे कि इन्हें कौन सा पॉइजन दिया है। वो नहीं बताएगा सर तो फिर ये 11 घंटे के अंदर निकल जाएगा। तो बोला था 12 घंटे का टाइम है। मेरी नर्स कहती है कि मैं इन्हें बहुत बोर करता हूँ लेकिन मुझे तो समय का पता ही नहीं चलता। देखा ना एक घंटा कैसे बीत गया। अरे बचाओ मुझे। सर एक घंटे में आपको 200 ml ब्लड का स्पॉइल हो रहा है। अगर आपके शरीर में ब्लड बनता रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो टॉर्चर होगा। जो भी आप डिसाइड कर ले। अरे अभी के अभी वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का आदमी कहाँ से मिलेगा? मेरा है ना। देखिए शास्त्री जी, क्या आपको सिर्फ नस वीकनेस नहीं है, आपको एक और वीकनेस है। वो क्या होता है? टंग वीकनेस। मतलब बोलने की बीमारी। मेरा ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप है कहते थे ना, अब देखो क्या हुआ। मुझे चक्कर आ रहा है, जल्दी से ब्लड चढ़ाओ। ब्लड रेडी है सर। ए शास्त्री जी के मुंह में पाइप लगाओ, विदाउट गैप 1 घंटे तक जूस पिलाओ, इनके शरीर में ब्लड तैयार होता रहेगा। अब
हेलो, आई एम डॉक्टर कृष्ण भगवान MBBS FRCS। कौन बोल रहा है? बगल में जो कमीना उसको फोन दो। यहाँ कमीना कौन है? आ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। आपने तो कहा कि शिवराम। अरे तेरी फोन दे। तो जूस पी ले। हेलो, क्या करना है ये बताकर जान बचा मेरी। अरे बाप रे, इतना डर रहा है? अबे यार तू तो डरने लगा है। ध्यान से सुन, तेरे पास जितना भी काला पैसा है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब लेकर एक घंटे में रामनगर कॉलोनी में लेके आ जा। अरे एक घंटे में कैसे होगा? मैं डेफिनेटली तुझे बहुत ज्यादा टाइम देता, लेकिन मेरे पास भी टाइम होना चाहिए ना। अरे रामनगर कॉलोनी में पहुंचने के बाद क्या करना है बता के बचा मुझे। अगला एपिसोड ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए घर घर की कहानी। सर सर, रामनगर कॉलोनी के लिए यहाँ से शॉर्टकट है सर। हाँ, इधर से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे पुल। अगर इधर से जाएंगे तो मेरा घर भी आएगा सर। रामनगर कॉलोनी। अभी तक फोन क्यों नहीं किया उसने? फोन क्यों नहीं कर रहा वो? रुकिए। क्यों? एक स्वस्थ आदमी जब स्मोक करता है तो उसकी जिंदगी 5 मिनट कम हो जाती है। आप जैसा करे तो 1 घंटा कम होती है। रामनगर कॉलोनी जला तुम्हें और बुझा रहा है वो उधर। हेलो, चलो उस कुत्ते को फोन दे। यहाँ पर कुत्ता कौन है? मैं हूँ ना, मैं हूँ। अभी तो कह रहा था कि कमीना, अभी कह रहा है कि कुत्ता है। कभी कुत्ता बोलते कभी गधा। तो चुप करिए। क्यों बुलाया मुझे? वहाँ रामनगर में एक बुड्ढा रहता है। उसी बुड्ढे से पैसा लेकर काला धंधा शुरू किया था ना। इज्जत से उस बुड्ढे का पैसा और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से वापस कर दो। पैसा डॉक्यूमेंट लाओ। मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स ले लो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। ले लो ये पैसा, ले लो। मुझे डर लग रहा है। अरे तेरे से ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है सर। प्लीज ये पैसा ले लीजिए। भगवान तुम्हें 100 साल जिंदा रखे। ये क्या कर रहे हैं? अपना आशीर्वाद क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये 9 घंटा से ज्यादा नहीं जीने वाले हैं। शायद आपके लिए फोन है, मैं देखता हूँ। हेलो सर, अब कहाँ जाना है? कहाँ कहाँ भाई? सिंगापुर। अच्छा, माधोपुर। हाँ भाई बताइए, और कहाँ कहाँ जाना है? फिल्म सिटी जाना है क्या? हाँ हाँ भाई, फिल्म सिटी जाना है। कुत्ते जी, उस हाथ से। नरक की आग में मत जला, इससे तो खत्म कर दे। लेट सोचा लेकिन सही सोचा। 2 मिनट में 2 पेटी लेकर मादापुर आश्रम में आ जाओ। अरे बाप रे, नाक से खून। टेंशन मत लीजिए, अभी तो नाक से खून बह रहा है ना, धीरे धीरे हर जगह से खून बहेगा। अरे भाई बैंडेड कहाँ है? सर सर, मेरा घर यही पास में है, मैं जाकर ले आऊँ। घर जाके फिर आओ। तुम ये बहानेबाजी मत करो, पूरा ब्लड खाली हो जाने दो। जो बॉटल में है? नहीं, आपकी बॉडी का। तुम एक चीज भूल गए। यही है ना, ये टेंशन तो मेरी जान निकाले दे रही है। राइट हैंड से, ये मेरी बीवी का गिफ्ट है। ये क्या फेंक दिया? सर घूम रहा है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। कब? आपके जान जाने के बाद। डॉक्टर, इसे पी पी कर मैं मर जाऊंगा। नहीं, पीकर मरने से अच्छा है पीकर मरो ना। मेरा मरना गारंटी है। दोनों के मरने में गैप नहीं रहेगा। एक इंजेक्शन से 2 आदमी की जान जाएगी। ये मेरे कैरियर के सबसे टर्निंग पॉइंट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू शास्त्री जी। लगता है वो महाशय आपको डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, उठाइए। आगे क्या करना है? टेंशन मत ले भाई, शिवराम नगर पुलिस एकेडमी के पास पहुंच जा। पुलिस तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसलिए ऐसा करो 2 में से उन्हें 1 पेटी दे दो। पुलिस एकेडमी? पुलिस एकेडमी? सर सर, मुझे वहीं पर छोड़ देना सर, मैं वहां से रिक्शा पकड़ के घर चले जाऊंगा सर। अरे फोन चाहिए थे। आप ये बार बार गन क्यों निकालते हैं? ये आप ही की गन है या किसी और की गन है? शास्त्री जी, अरे तू चुप रहे। अरे भाई इसके मुंह में डालो। हाँ हाँ, मैं रख लूंगा। जी, ये ले लीजिए सर, पैसा है सर।
सारा पैसा है। अरे मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, बस ले लीजिए। अरे यहाँ पर तो सारे न्यूज चैनल वाले भी आ गए, सभी टीवी वाले हैं। शास्त्री जी सर आप थोड़ा हटिए ना। सर शिवराम जी मेरे भाई है, तुम लोग को पता है क्या? तू मेरा भाई कैसे? अगर आपका भाई नहीं होता तो आपके अंदर मेरा खून कैसे जाता? इससे तेरा मेरा ब्लड रिलेशन कैसे हो गया? अरे इतनी देर से मेरा खून चढ़ा रहे हो और अभी मुझे भाई मानने आप सब थोड़ा साइड हो जाइए, जरा हवा आने दीजिए। वैसे भी ये 3 घंटे में जाने वाले हैं, बाद में आराम से फोटो लीजिएगा। मेरा फोटो लो, मेरा फोटो लो। आपने जनता की सेवा करना कब से चालू किया? आप साइड हट जाइए, मैं आंसर देता हूँ। बॉस कह रहे हैं और ये साहब कर रहे हैं। बॉस कौन? भगवान। भगवान क्यों? भगवान, भगवान। ये क्या बकवास है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते। शास्त्री जी जूस का पाइप मुंह में रखे हैं। सर आप राजनीति में आ रहे हैं? नहीं। किसी पार्टी के साथ हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, इलेक्शन अभी 6 महीना बाकी है। इनका इलेक्शन हो गया, इनका काउंटिंग शुरू हो गया है, कुछ देर बाद आप लोग इन्हें माला पहनाएंगे। वो नहीं सर, वन मोर क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? विद्या। हाँ, रिपोर्टर विद्या के साथ कैमरामैन कृष्ण भगवान MBBS FRCS आदित्य शर्मा बात करने वाला। हेलो भाई, फोन फोन बोल रहे। लेफ्ट में देखो, वहां पे एक फैमिली खड़ी है ना, उनमें छोटा बड़ा देखे बिना सबके पैर छूकर तू उनसे माफी मांग। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे चाचा हमेशा एक बात कहते थे, जो दिया बुझने वाला होता है वो सबसे ज्यादा रोशनी देता है। तब मैं ये बात नहीं मानता था, लेकिन आज ये सब देखकर मुझे यकीन हो रहा है आप कितने लोगों की जिंदगी रोशन करते जा रहे हैं। डॉक्टर तुझे उठा लूंगा मैं। आप जरा अपना बायां हाथ उठाइए। अपना बायां हाथ तो उठा नहीं पा रहे हो, मुझे क्या उठाओगे? BSNL, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, वर्जिन, इसमें से वो किस में फोन करेगा पता नहीं। वहाँ आराम से एसी रूम में नर्स के साथ ऐश करता था, लेकिन आपके चक्कर में रोड पे सोना पड़ रहा है। तुम्हारे लोगों को भी तुम्हारी चिंता नहीं है, वो भी सोच रहे हैं कि तुम कब जाओगे। शास्त्री जी बहुत मेहनत कर लिया आपने, अब आकर जरा जूस पी लीजिए। अरे ये कहाँ चला गया? अरे तुम कहाँ चले गए थे? हेलो कौन है? मेरी मिसेज। हाँ बोलो मीनाक्षी। घर पे? एक मिनट, साहब को इंजेक्शन देकर कितना समय हो रहा है? 11 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब 1 घंटे बाद मैं भी घर जाऊंगा। ये नहीं गया तो तुम इसके बदले चले जाओगे, समझे? अच्छा होगा शनि चला जाए। फिर से तेरी बीवी है क्या? नहीं, आपके हस्बैंड का। बात कीजिए, वो फोन करता है, देना मुझे पड़ता है। हाँ मुझे है। पाइप मुंह में रख। बोलो अब क्या कर रहे हैं? बहुत टेंशन हो रही है, ज्यादा टेंशन मत ले। तेरा एंटी पॉइजन डोज इन्फिनिटी के कार पार्किंग में है, MH 10883 कार में है। इन्फिनिटी मॉल, इन्फिनिटी मॉल दोगे क्या? जल्दी कर बे, जल्दी कर। भाई बगल में रहकर मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मेरा फोन, मेरा फोन। ये लीजिए, बात कीजिए। आदित्य शर्मा, मैं पहले इतना वीक हूँ और मेरा फोन लेकर मुझे वीक करना चाहते हो? अरे ये कहाँ चला गया? गाड़ी में चढ़ते समय जंप करके निकल गया, मैं उसे वीक समझता था, लेकिन वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग निकला। मेरी बीवी ने कितने प्यार से मुझसे शादी की और तुम लोग मेरा जूस निकालना चाहते हो? जान भी बच गई और पैसे भी मिल गए। कहाँ ये बताओ? मैं तुम्हें बताऊंगा तब तो मुझे ढूंढोगे ना। अबे एड़े गधे बेवकूफ कमीने, तू पहले अपनी जान बचा बाद में मुझे ढूंढना, समझे? चल जा यहाँ से, आज के बाद मेरा पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू। बीपी बीपी गाड़ी मिलने से पहले जाएगा, लगता है इसकी समाधि यही बनेगी। आ,
बेकार। एक बार पीछे घूम कर देख। रुक जो आए वो एम्बुलेंस है। ये तो हमारी एम्बुलेंस भी है। देखो 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 ढूंढो निकालो बैग बैग निकालो कहाँ है? डॉक्टर 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 इसमें इंजेक्शन रखा है और हम लोग इसे कहाँ कहाँ ढूंढते रहे। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा कमाल हो गया है। तो जल्दी से इंजेक्शन लगा। टाइम है चिंता मत कीजिए। कितना टाइम बाकी है? सिर्फ 2 मिनट। अरे बाप रे, एक छोटी सी इंजेक्शन के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। ओनी भर भर के पैसे लुटाए। मैंने अपने करियर में इतना कॉस्टली इंजेक्शन कभी नहीं देखा। अब तो मेरी जान को खतरा नहीं है। अब मैं निकलता हूँ। अरे लेकिन किस लिए? जल्दी बैग खोल कर देख। तुम्हारा ही है ड्रग्स। उस दिन तुमने ही बोला था ना ऊपर से ही चेक करने को। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर थोड़ी गलती हो गई। थोड़ा अंदर हाथ डाला तो मुझे ये मिल गया। सोचा ये तुम्हारा है तो तुम ही को दे दूंगा। ओके पुलिस है कि गुंडा है? ब्लड तो वैसे गुंडे का है, लेकिन पला बड़ा पुलिस वाले के घर में बहुत ही खतरनाक मिलावट हो। कानून के हाथों से वैसे कोई नहीं बचता। अगर तू किसी तरह कानून से बच भी गया तो तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। वैसे चालाक तो तू बहुत है, पर तुझे एक बात बता देना चाहता हूं। कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन अगर फिर भी तूने कानून को धोखा दे दिया तो मैं तेरे पास आऊंगा तेरी मौत बनकर। सीखो हमसे हंसना सीखो हमसे, हम न करना कभी ना डरना रे किसी से। चाहे आए आंधी चाहे आए तूफान, रुको ना किसी से रे झुको ना किसी से। भला भला सबका करो, तुम बुरा ना किसी का करो। सदा सदा सच ही बोलो, तुम झूठ ना कभी रे बोलो। जीना सीखो हमसे हंसना सीखो हमसे, हम न करना कभी ना डरना रे किसी से। चाहे आए आंधी चाहे आए तूफान, रुको ना किसी से रे झुको ना किसी से। होइया रे होरे होरे होरे, होइया रे होइया रे हो। होइया रे होरे होरे होरे, होइया रे होइया रे हो। आइला 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 आइले, आइला 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 आइले। किसमें है दम जो तुझसे लड़े, अरे ताकत में तुझसे कोई बढ़ के नहीं। दिल वाला तू है दयावान भी, अरे खतरों में साथ कभी छोड़े तू नहीं। सबका भला करता रहूं सच्चा, ये दिल तो है मेरा। उनका बुरा करता रहूं मैं जो करता बुरा, करता रहूं मैं इंसाफ भी अपराधी को। तुम ऐसा सा भला भला सबका करो, तुम बुरा ना किसी का करो। सदा सदा सच ही बोलो, तुम झूठ ना कभी रे बोलो।
वो कुछ ऐसी मेरी, आए आंखों में आंसू जिन्हें याद करके खुशियों के भी वो पल है मिले, आज खुश हूँ मैं जिनको याद करके। बचपन में जो साथ थे मेरे खेला भी था, हुआ जुदा ना जाने कैसे अपना मेरा, आता बहुत याद मुझे वो, शायद कभी फिर मुझे वो मिले। भला भला सबका करो, तुम बुरा ना किसी का करो, सदा सदा सच ही बोलो, तुम झूठ ना कभी रे बोलो। भला भला सबका करो, तुम बुरा ना किसी का करो, सदा सदा सच ही बोलो, तुम झूठ ना कभी रे बोलो। ट्रांसफर चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है सर, इसलिए ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, प्लीज मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जयराम बोलता हूँ, तो तेरी एक प्यारी बहन है। क्या रे, तेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई, रुक नहीं रही क्या? अरे रे 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 रे, अब देखूंगा मैं तेरी आंख में लहराता हुआ डर। टेंशन मत ले, क्या करना है मैं बताता हूँ ना तुझे। तेरी बहन कहाँ है ढूंढता हूँ। क्या कर लेगा तू? मरने से पहले तेरी आंख में डर देखना चाहता हूँ। तेरी बहन को मार देता हूँ, तेरी आंख के सामने मार देता हूँ। है दम तुझ में, कर कोशिश बचाने के लिए अपनी बहन को। और इतने दिनों बाद जब मैं इसके पास आया हूं तो उसके लिए मैं मौत लेकर आया हूं। मैं उससे कैसे कहूं कि मैं उसका भाई हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भाई कहे, बस उसकी जान बचाना चाहता हूं। हेलो, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। मेरा अपना भाई मुझे बहुत समझकर मुझे छोड़कर चला गया। उसने मेरे बारे में ये कहा कि मैं उस रोड पर मिली हूँ और उसने मुझे अनाथ बना दिया, लेकिन अब तक वो दुख मेरे मन में है। लेकिन आप मेरे कोई भी ना होकर आपने मेरी जान बचाई। इतनी बड़ी बातें क्यों दिव्या? मैं हूं ना, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। इधर ही भाई, इधर ही, अपने भाई को काट डाला भाई। वो अपनी बहन के लिए कितने लोगों को मार डालेगा, अगर हम उसे पंगा लेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे जीना है इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम में से और किसी को मरना है क्या? दिल साथ दे या ना दे, उसे मारने में जो साथ देगा वही जिंदा रहेगा। अच्छा, अपना ध्यान रखना। विजय। हाँ बोलो दिव्या। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पहली बार मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप मुझे दोगे ना? हाँ हाँ बोलो। श्वेता आपसे बहुत प्यार करती है, इसे शादी कर लो ना। ये आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, तुम भी चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्लो की आता सबसे बिल्लो।
सक्से बिल्लों की चाल, सक्से बिल्लों है सबसे सक्स बिल्लों की बिंदिया, सक्से बिल्लों की साड़ी, सक्से बिल्लों है पूरी सक्सर तेरी। एक महीना नहीं हुआ तुझे आए हुए, काफी पॉपुलर हो गए रे तू तो। तेरे मरने की खबर फैलते ही पुलिस का फोन, प्रिंसिपल का फोन, अरे रे 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 रे, कितने फोन आते हैं। मतलब ये कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया, तेरे को मारने के लिए अच्छा मौका मिल गया मुझे। और तेरी बहन दिव्या, 12 मिनट का वक्त है तेरे पास, अगर समय से पहुंचा तो तेरी लाश दिखाऊंगा तेरी बहन। लेट आया तो तेरी बहन की लाश देखेगा तू। मैं पास नहीं आऊंगा, मेरी बहन को कुछ मत करना। तेरी बहन मेरे कब्जे में है, देख कितने आदमी है मेरे पास, मार डालूंगा तेरी बहन को। देखो मेरी बहन को कुछ मत करना, उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ करना है मुझे कर लो प्लीज, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। आज तेरी आंखों में मैं वही डर देख रहा हूँ, तेरी आंखों में वही डर देखना है मुझे। तूने मुझे बहुत सताया है, आज मिला है मौका मुझे, अपनी जमीन पर खात्मा करूंगा तेरा मैं। आज मौका मिला है मुझे, कहां गई रे तेरी हेगड़ी, कहां गई तेरी होशियारी, कहां है तेरी पुलिस, कहां है तेरी ताकत। देख इसका हाल, देख निकल गई इसकी हवा। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी हार मान जाएगा ये, बिना ताकत का पुलिस वाला है ये। मार डालो इसे।
तूने बताया नहीं कि तू इसका भाई है। जो छोड़ के भाग गया तो वो तेरा भाई पापी, उस दिन से यहां वहां ढूंढता फिरता है तेरे को पागलों की तरह। इस बीच मुझे तकलीफ दी, कहा था इसकी आंख के सामने इसकी बहन को मारूंगा, उस दिन से तुझे बचाने के लिए तेरे आसपास पागल कुत्ते की तरह से घूमता फिर रहा है। अब इसे तेरी आंखों के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। विजय देख मैं क्या करता हूं, देख देख तेरी आंखों के सामने तेरी बहन की मैं क्या हालत करता हूं, अपनी आंखों से देख। अगर मारना ही है तो मुझे मार, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना। तेरी सारी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे। चाहे जिस तरीके से बदला लेना है बदला ले ले, पर भूल से भी मेरी बहन को जरा सी भी चोट मत पहुंचाना, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, ऐसी मौत जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। मारेगा, तेरी तो खुद की मौत मेरे हाथों में है। मारो, मार डालो इसे। We'll be right back.
अच्छा चलती हूँ। ठीक है बेटी। तुम्हारे लिए जगह खाली है। हाँ? तुम्हारे लिए जगह खाली है। हाँ? अबे ट्यूबलाइट भैया कह रहे हैं तू भी हमारे साथ चल, जल्दी चल। मैं आती हूँ।